भाजपा ने राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव विधानमंडल में लेकर आई है, भाजपा उसका समर्थन करेगी। बतौर सम्राट, भाजपा सत्ता में ही नहीं विपक्ष में रहते हुए भी आरक्षण का समर्थन किया। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले वर्ष जब एनडीए की सरकार थी तब प्रदेश में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया और इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका आज फलाफल सामने आया है। उनको इस गणना रिपोर्ट के डिजिटल रूप से सार्वजनिक करने की भी उन्होंने मांग सरकार से की, ताकि लोग भी इसे देख सके और जान सके। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंडल कमीशन के दौरान भी जब बीपी सिंह की सरकार को आरक्षण में भाजपा के समर्थन की जरूरत थी तब भाजपा ने मदद किया। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया तब भी भाजपा ने समर्थन किया। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी तो पंचायत चुनाव में भी आरक्षण दिया गया। सम्राट ने कहा कि भाजपा का संदेश साफ है कि सरकार आरक्षण बढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाएगी तो भाजपा उसका समर्थन करेगी। कल बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार की आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए नियत और नीति साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल लटकाने और भटकाने की नीति नहीं चलेगी। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हरीश सहनी ने भी जातीय गणना की रिपोर्ट के आंकड़ों में की हेराफेरी करने की आरोप लगाया है। उन्होंने इस मौका पर कहा कि इस राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे व एमएलसी संजय मयूख जो है, ये तम लोग उपस्थित थे। सभी लोग ने जो है कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर लगातार लटकाने और भटकाने की नीति जो है वो नहीं चलेगी, इस तरीके का आरोप लगाया है। खैर, जो भी अपडेट होगा लगातार इस तरीके का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।